पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी को लेकर जनता इतनी भावुक हो जाती है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल पीएम मोदी कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ केरल पहुंचे, जहां पीएम मोदी का ऐसा स्वागत हुआ जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जनता जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर उत्साहित है वो काबिले तारीफ है। आप दृश्य में देख सकते हैं कि पीएम मोदी केरल में रोड शो कर रहे हैं, लोग उनको देखकर पागल हो रहे हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं और हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी दृश्य दिखा जिसको देख कोई भी भावुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी को देखने के बाद महिला, बच्चे और बूढ़े हर कोई भावुक हो जा रहे हैं। आपको बता दें, ये लोग कोई जबरदस्ती नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि ये लोग अपनी भावना को व्यक्त करने पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो को देखकर केरल सरकार हिल चुकी है, क्योंकि जिस केरल में ये कहा जाता था कि बीजेपी और मोदी अपनी कोई साख नहीं बना पाएंगे, वहीं अब पीएम मोदी के रोड शो में लोग पीएम को देखकर भावुक हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में ये भावुकता कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी पीएम मोदी जब कोयंबटूर के दौरे पर थे तो वहां भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था और लोग पीएम मोदी को देखने के बाद अत्यंत भावुक हो गए थे। पीएम मोदी के रोड शो में खास करके महिलाओं की भीड़ काफी है और जनता के इस व्यवहार से ये निश्चित हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।